सपा आरएलडी को मिल गया बसपा का विकल्प। बीजेपी को घेरने के लिए साथ लाए नया दोस्त। महागठबंधन में अब सपा आरएलडी और कांग्रेस। बिन दोस्त अकेले रह गई मायावती। राजनीति हमेशा से अनिश्चितताओं से भरी हुई होती है। यहाँ ना तो कोई परमानेंट दोस्त होता है और ना ही कोई परमानेंट दुश्मन। अब देखिए ना, कभी बसपा और सपा एक दूसरे के धुर विरोधी हुआ करते थे, लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि दोनों की दोस्ती सियासत की जमीन पर रफ्तार की उड़ान भरने लगी और सियासी घड़ी की सुई जैसे ही आगे बढ़ी, फिर एक वक्त ऐसा आया कि दोनों की दोस्ती उसी सियासत की जमीन पर थम गई, टूट गई। बसपा सपा के खिलाफ हो गई, हमलावर हो गई। अब सियासी गलियारों से ये खबर आ रही है कि यूपी की सियासत में एक बार फिर विपक्षी एकता दिखाई देगी। बीजेपी को घेरने के लिए विरोधी पार्टियों के एक नए प्लेटफॉर्म पर आने की आवाज की सुगबुगाहट होने लगी है, जिसमें बसपा तो नहीं है लेकिन सपा और आरएलडी के साथ कांग्रेस आ सकती है। अगर ऐसा होगा तो यह यूपी में बड़े सियासी बदलाव की आहट है। राजनीति हमेशा से दो पहलुओं के साथ चलती है, यहाँ चित भी है, यहाँ पट भी है। यहाँ एक दरवाजे बंद होते हैं तो विकल्प के दूसरे दरवाजे खुल जाते हैं। यहाँ जितनी जल्दी दोस्ती दुश्मनी में तब्दील होती है, उतनी ही जल्दी दुश्मन दोस्त बन जाते हैं। यही कुछ आजकल यूपी की सियासी जमीन पर हो रहा है। अब बसपा ने भले ही गठबंधन से किनारा किया हो, लेकिन सपा और आरएलडी की दोस्ती अभी तक बरकरार है। सपा के दोस्त उसी आरएलडी ने बसपा की गैर मौजूदगी के विकल्प के तौर पर दोस्ती के लिए एक नए विकल्प के संकेत दिए हैं, जिससे सूबे में विपक्षी राजनीति में बड़े बदलाव की उम्मीद जगी है। विपक्षी एकजुटता में कांग्रेस के शामिल होने की संभावना है। बता दें कि रालोद कांग्रेस में अघोषित गठबंधन लोकसभा चुनाव में भी रहा। कांग्रेस ने आरएलडी सुप्रीमो अजीत सिंह और उपाध्यक्ष जयंत चौधरी के खिलाफ अपने उम्मीदवार नहीं उतारे। राजस्थान में दोनों ने मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ा और गहलोत सरकार में आरएलडी का इकलौता विधायक मंत्री भी है। सपा और कांग्रेस में नजदीकी बनाने का काम आरएलडी कर सकता है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और आरएलडी उपाध्यक्ष जयंत चौधरी के नजदीकी रिश्ते किसी से छिपे नहीं है। वहीं जयंत और अखिलेश की दोस्ती भी जग जाहिर है। लोकसभा चुनाव में बसपा प्रमुख के एतराज के बावजूद अखिलेश ने अपने कोटे की 3 सीटें आरएलडी के लिए छोड़कर दोस्ती को साबित किया था। सूत्रों की माने तो भाजपा की केंद्र में जोरदार वापसी और बसपा की बेरुखी सपा, कांग्रेस और रालोद को आने वाले समय में एक मंच पर ला सकती है।